हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मंदिर में पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे और हैड़ाखांडेश्वर श्री महादेव यहाँ पर भगवान का जो मंदिर है वो है यहाँ पर, और हम लोग आपको सीधे मंदिर के दर्शन कराते हैं। एक शिवालय रूप में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर ओम नमः शिवाय का एक शिवलिंग नुमा ये गुंबद जैसी बनी हुई है, और भगवान शिव के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके। ये बाबा जी का संभवतः जो पदचिन्ह है, हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ के ट्रस्ट के अगर कुछ लोग मिल जाते हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये स्थल है जहाँ पर बाबा जी बैठा करते होंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने का कि वो बता पाए कि ये क्या स्थल है, कहाँ यहाँ पर क्या हुआ करता था। बहुत खूबसूरत जगह है, ऐतिहासिक जगह है ये। यहाँ पर नंदी के रूप में गाय नंदी है यहाँ पर जो कि विराजमान है। और सीधे हम लोग टेंपल की तरफ चलते हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इस जगह पर ही लोग यहाँ पर आते हैं और प्रयास करते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए। ये आप इन मूर्ति के बारे में भी हम लोग अभी यहाँ के कोई ट्रस्टी हम लोगों को मिल जाते हैं उनसे हम लोग जानेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर शिव जी का भी यहाँ पर एक शिवलिंग है और भगवान नाग देवता वहाँ पर विराजमान है। जो लोग जो हैं बाबा हैड़ाखान के दर्शन करना चाहते हैं वो जो है यहाँ पर आ सकते हैं। ये उनकी गद्दी है, इनका प्राचीनतम रूप जो है लोगों को हम दिखा सकते हैं। ये आप देखिए कि बाबा जी की जो प्रतिमा है और ये सारी फोटोग्राफ बाबा जी की है। ये जो धाम है जो बाबा जी यहाँ पर विराजमान होते थे ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। इसी स्थल पर बाबा जी विराजमान होते थे और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए बाबा जी के आया करते थे। उनके चमत्कारी किस्से के बाद तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आया करते थे। तो ये हमारे लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट होने जा रहा है, आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आप लोग यहाँ पर पहुँच पाए। जो लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं बाबा हैड़ाखान के, तो उस स्थल को हमारी वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं। बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए जो लोग अब तक नहीं देख पाए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो लोग इस जगह पर ध्यान लगाते हैं। ये शाम को अक्सर यहाँ पर बाबा जी जो है शिव जी के हनुमान जी के यहाँ पर भक्तगण बैठकर अपना जो यहाँ की आरती है उसको करते हैं और फिर आगे चलकर लोग यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बैठते हैं। बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, आप देख होंगे कितना खूबसूरत जो है, कितना शांत एरिया है। बाबा जी की एक और प्रतिमा है जो आप देख रहे होंगे कि ये बाबा जी के दर्शन हम लोग आपको करा रहे हैं और जिसके ज़रिए आप ये समझ पाए कि बाबा जी का जो ये भी बाबा जी का जो जब युवावस्था में थे बाबा जी, ये उस समय की फोटोग्राफ है। बाबा जी मैं एक शब्द में अब कहूँगा, अब भगवान शिव हैं और वो भगवान शिव ही नहीं, वो आपके मतलब ये बोलते हैं ना कि एक इटर्निटी हैं, कि वो मतलब सुप्रीम गॉड हैं, उन्हीं में से सब निकलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश।
हाँ कि मैं इतना इतना कॉन्फिडेंटली अप कह रहा हूँ, तो मतलब वो कंप्लीट है, मतलब भगवान है वो पूर्णतः से। बिल्कुल, आपने सुना, आपने कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने जिक्र की। मैं भी आपसे जो है पहली बार मुलाकात मेरी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आपका आगरा से हूँ, मैं आपका आगरा से पास से हूँ, एटा से, जलेसर से, एटा के पास है। थोड़ा मंदिर के बारे में आप जानते हैं कि ये कौन सी जगह है? हाँ, ये मैंने ऐसा बुक्स में पढ़ा है कि जैसे बाबा जी का ये जैसे शिवालय है, ये जैसे अष्टकोण का ही है। अष्टकोण यानी कि इसमें 8 कॉर्नर्स हैं। ये बुक्स में बाबा जी जब दो रूपों में आ चुके हैं अब तक, एक तो 1860 से लेके और 1920 तक रहे थे, 20-22 तक, थोड़ा 1-2 साल आगे भी। और फिर वो जाने से पहले बोल गए थे कि मैं लौट आऊँगा 50 साल बाद। 50 साल यानी वो 1970 में फिर से अपियर हो गए थे आपका। तो उसी स्वरूप का जो पुराना वाला के वाला उनका रूप था 1860 वाला, उस पीरियड में ये जैसे जब बनना ये था ना, शिवालय था यहाँ पे, तो इसके लिए शिला थी, एक बहुत बड़ा शिलाखंड था। बाबा जी ने अपनी उंगलियों से उस पे ना एकदम से लाइन खींची अब धाराएं, और उस शिला के 8 किए थे, टुकड़े करे थे, 8 पीसेस, और उन्होंने तब बनाया था। यानी उन्होंने किसी मशीन का नहीं, किसी का यूज़ नहीं, और उन्होंने शिला को 8 हिस्सों में तोड़ के तब बनाया था। वो अष्टकोण का मंदिर है ऐसा। अंदर हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है, थोड़ा आपने, क्योंकि आप हिस्ट्री के बारे में भी बहुत अवगत हैं। क्या नाम है आपका? मैं थोड़ा हम लोग भी परिचय कर लेते हैं तो आगे बढ़ते कंटिन्यू। नहीं, नाम मेरा रजत नाम है, रजत गौतम। गौतम जी, आप ये जो है आप लोगों को आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं तो आपका लॉ का स्टूडेंट हूँ अभी, तो लॉ के स्टूडेंट हैं। और आप लोगों का अध्यात्म के प्रति इतना ज़्यादा लगाव है, और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो हम आप ही लोग आपसे ही सुनते हैं पूरी इसकी कहानी जो है, बाबा जी के रखान, बाबा के जो चमत्कारी किस्से हैं, क्योंकि आपको भगवान खुद जो है खुद साक्षात जो है दर्शन हुए थे तब आप जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ के बारे में भी आप बता देंगे, जिससे हम लोग थोड़ा सा जानकारी पाएंगे, क्योंकि देश दुनिया के जो लोग हैं ये उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये डूब क्षेत्र में आ रहा है, ये आपको जानकारी है भक्तों को खास तौर से। ये मेरा सभी के लिए मैसेज है जो लोग सुन रहे हैं, केवल और केवल का भगवान से मतलब होना चाहिए। बाबा जी के बारे में काफ़ी सारी बुक्स भी हैं यहाँ पे सब ऑफिस से अब जाएंगी मिल आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बुक है श्री दिव्य कथामृत। बाबा जी के आने से पहले एक उनके शिष्य हुए हैं महेंद्र महाराज, जिनका के फोटो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगा हुआ है महेंद्र महाराज, महेंद्र महाराज का ये चित्र भी, और एक वो चित्र भी है कि जिसमें वो जैसे माला लगा हुआ है ना, खड़े हैं महेंद्र महाराज। आपका माँ जगदम्बा हैं यानी पार्वती माँ, इन मतलब ह्यूमन फॉर्म में आई थी नर का रूप लेके, और उन्होंने ये मतलब बाबा जी के आने से पहले ही सबसे कह दिया था कि ये भगवान आएंगे और वो इस रूप में आएंगे, पहचान भी अब दी थी। और बाबा लेकिन पर आप जानते हैं ना कि उन्हें क्या लीला करनी थी। बाबा जी के आने से कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, पर वो जाने से पहले शास्त्री जी को मंत्र अब दे गए थे। ये जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आचार्य हैं ना हेड़ाखंडी अब समाज के, कृष्णदास शास्त्री जी, और उन्हें मंत्र अब दे गए। बाबा जी जब आए तो उन्होंने शास्त्री जी को अब बुलाया, और जैसे ही शास्त्री जी कमरे में गए, वृंदावन की ये घटना है, कमरा लॉक करा तो वो मंत्र उनके अब कानों में गूंजने लगा खुद ही। ये वो प्रांगण है जहाँ पर बाबा जी स्वयं बैठा करते थे, अपने भक्तों के साथ में बैठते थे और लोगों को ये बताया करते थे, एक सत्क्रम पर जाने की बात बताया करते थे, अच्छी बात जिसके ज़रिए यहाँ का कल्याण हो पाए, इस राज्य का, इस देश का, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार वो किया करते थे, और कैसे विश्व शांति हो इसके लिए लगातार वो लोगों को समझाया करते थे। तो आप सारे ही लोग जो हैं उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये प्रांगण को भी देखना, क्योंकि शायद कम ही लोग इसको देख पा रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी कठिन रास्ता ज़रूर है यहाँ पर आने का, इस वजह से हम लोग आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। भैया ये देखिए, अब मैंने जो पढ़ा मंदिर के बारे में, ये मंदिर ये दुनिया की अब सबसे प्योरेस्ट अब जगह है,
बाबा कहते थे कि आप कहीं भी क्या पहुंच जाओ आप दुनिया में, पर आपको इससे प्योर जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। और आप लोग देख भी रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और यही था कि वो तो बस केवल भगवान हैं, और जब आप दिव्य कथा अमृत ग्रंथ है कि जो भी लोग सुन रहे हैं वो उसका पाठ करें हैं अब सोमवार को। बाबा कहते थे महेंद्र महाराज ने वो ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ मतलब इतना नहीं मोटा नहीं, उन्होंने ग्रंथ को बहुत शॉर्ट कर दिया, 30-35 पेजों में था, और जिसमें कि भगवान के अवतार के बारे में बताया गया कि वो कैसे आए। उसमें ये बताया गया कि जब भगवान आए तो भगवान शिव आए, और भगवान शिव ने जब भगवान शिव के समय भगवान विष्णु भी हुए कमन। ये देखिए साइंस का टाइम है, पर ऐसा होता है ना, हम सब लोग साइंस के पढ़े हुए हैं तो साइंस को एक एक एक्सपेक्ट मतलब एक फिक्स एरिया में काम करती है। तो भगवान सारे एक हुए जब जब भगवान शिव को अकेले नहीं आने दिया उन्होंने, तो बोले कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा सीधे हो बोले हो, अब आप कैसे जाओगे। तो फिर तो भगवान विष्णु, माँ जगदम्बा, गणेश जी, कार्तिकेय और सब मिलके इंद्र मतलब सब मिलके आए हैं इस रूप में। और यहाँ पे ऐसा भी है कि यहाँ पे एक एक पत्थर में बाबा कहते थे कि देवी और देवता वास करते हैं, ऋषि मुनि तप करते हैं। हाँ हाँ यहाँ पे अब बैठते थे, इंटरनेट पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऐसी कि जिसमें कि बैठते थे। हाँ भैया ये भगवान ने अब लग ये अपने हाथों से स्थापना की थी अब शिवालय की, और ये इसकी जो अब दीवारें हैं ना अष्टकोण है, ये देखिए इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, ये देखिए 8 ऐसे हैं ना, कहीं भी नहीं मिलते मंदिर में आपको 8 कॉर्नर्स। ये उन्होंने शिला को अपने हाथों से काट के ना अब बनाए थे लाइन खींच के, ये जो ये देख रहे हैं यहाँ पे ना अष्टकोण, उन्होंने अपने हाथों से अब बनाया था ये मंदिर अष्टकोण। और आप कहीं भी अब जाइए ना, ये जगह मतलब इस वर्ल्ड की इस दुनिया में सबसे होली प्लेसेस में से एक है। बाबा जब आए थे तो एक आपका उन्होंने नेपाल में अब सुनाई थी गोरखवाणी, और गोरखवाणी में उन्होंने ये कहा था कि कैलाश है आपका पर्वत जो माउंट कैलाश है, यहाँ पे भी कैलाश है, तो वो बोलते थे प्रथम कैलाश ये है मेरा, प्रथम मतलब सबसे पहला, मतलब 5 कैलाश उन्होंने अब गिनाए थे। अब मुझे 5ों के नाम तो नहीं याद है, एक जैसे ये कैलाश है, एक आपका कैलाश मानसरोवर है, और एक आपका नेपाल में भी है कैलाश, 3 और 2 और थे मुझे से नाम नहीं याद आ रहे हैं। हाँ हाँ विराजमान के होते थे, अब दर्शन अब कर रहे थे अब भक्त उनके, कि वो तो हर जगह पर हैं। और मैं जब से आया हूँ मुझे मुझे तो ऐसा मतलब फील भी नहीं हो रहा कि वो है नहीं यहाँ पे, मुझे तो हर समय क्या फील हो रहे हैं हम मतलब अब ढूंढते तो उसे हैं ना, अब जो कि अब दूर होता है हमसे, तो वो तो यहाँ पे हर जगह पर, कहाँ ढूंढेंगे, पेड़ में, पौधों में, पत्तों में, किधर नहीं है वो यहाँ। भैया मैंने जो देखा है, मैं आया हूँ यहाँ पे, आपका कीर्तन होता है ये पूरा कीर्तन हॉल है, कि आपका आरती होती है वगैरह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के संग। बस उनकी तो यही थी मेन शिक्षा, उनकी एक थी कि ओम नमः शिवाय का जप करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उन्होंने ये भी कहा, लिखा गया है कि मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग अपना बैठ जाएं और अपने कर्म छोड़ दें। तो बोले कि ऐसे तो बोले कर्म कौन करेगा, वो उनकी ये शिक्षा थी, कर्मयोग पर बहुत जोर देते थे अपना, वो बोलते थे चलते चलते जप करो, कर्म करते करते अपना खाते हुए जप, मतलब काम करते हुए जप करो और तुम्हें कहीं भी। और उनकी मेन शिक्षा थी प्योरिटी ऑफ माइंड, वो कहते थे कि जब ही मन को केवल शुद्ध कर सकता है। अभी आपने सुना कि गौतम जी ने किस तरीके से जानकारी दी है, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि आप खुद जो है बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको साक्षात यहाँ पर, ऐसा उन्होंने बोला कि साक्षात उनको दर्शन भी हुए और सपने में भी उनको तमाम बार भगवान भोले के जो एक स्वरूप बोला जाता है बाबा जी को, उनके दर्शन आपको हो चुके हैं। और हम आपको फिर से ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर बाबा जी बैठा करते थे ध्यान लगाने के लिए। यहाँ पर ये जो यहाँ पर नदी आप देख पा रहे होंगे, हम आपको ले चलते हैं उस नदी की ओर, जो कि सनातन धर्म के लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। गौतम जी से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि इस नदी का नाम है गौतमी, और ये जो गौतमी नदी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। ये उन्होंने बताया कि जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत से होती हुई इस नदी, ये नदी यहाँ तक पहुँचती है
और इसलिए भी ये जो है भगवान शिव का जो वास है यहाँ पर, इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और जो इंटरलिंक हुआ है। तो ये पूरा टेंपल का भी रास्ता है और यहाँ से नीचे जो है आपको हम बताते हैं कि ये जो नीचे से अगर कोई आना चाहेगा तो वो इसी स्थल से नीचे भी जा सकता है और गौतमी नदी के जल का आचमन भी कर सकता है। लेकिन हालांकि ये जो नदी है इसका जो पानी है, इस समय गर्मियां है तो ये पानी ज़रूर सूख गया है, कुछ पानी जो है निकल रहा है, कुछ जल स्रोत, छोटे छोटे जल स्रोत है वो निकल रहे हैं ज़रूर। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों को जानना जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए आप टेम्पल का ये जो है बैक साइड है जो हम आप लोगों को दिखाते हैं, बाबा जी की एक सुंदर सी जो है आकृति बनाने का प्रयास यहाँ पर किसी श्रद्धालु ने में भी किया होगा, वो भी आप देखिए। ये ब्लॉग बहुत लंबा ब्लॉग हो गया क्योंकि हमने आपको कुछ जो श्रद्धालु हैं उनसे हमने बातचीत कराई थी तो उन्होंने इम्पोर्टेंट फैक्ट ज़रूर दिए हैं, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस ब्लॉग को यहीं हम लोग क्लोज करेंगे और तभी हम जो है कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो चमत्कार के बारे में हम आई बटन में आप लोगों को जो है दे देंगे। अगर कुछ लोग आई बटन को देखेंगे तो उसमें बाबा जी के चमत्कार और यहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे बातचीत हमारे एक साथी ने कराई है, वो आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगी। नमस्कार। जय भोले बाबा की, जय हैरा खान बाबा की। अगर आप लोग भी इस तरह से बाबा जी के दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए और बाबा जी से जो मनोकामना मांगना चाहते हैं वो मनोकामना मांगिए, वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय।